हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड रीप्ले। और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्टार बिज़ के शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। तो गाइस, पिछले कुछ समय से गुम है किसी के प्यार में के जो मेकर्स हैं वो प्लान कर रहे थे सीरियल की कहानी में कम्प्लीटली रीवैम्प करने को, यानी कि शो में एक नया लीप लेकर आने का प्लान किया जा रहा था। आप लोग जानते ही हैं कि लीप से जुड़ी जो भी मेकर्स प्लान कर रहे थे उस पर मैं मल्टीपल वीडियोज़ भी बना चुका था, जैसे कि करणवीर बोहरा की एंट्री जो कि हमें स्टिल देखने को मिलने वाली है सीरियल में। लेकिन उसके अलावा मेकर्स प्लान कर रहे थे कि सीरियल में 10 या 12 साल का हम लीप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन गाइस, अब उसी पे एक काफ़ी बड़ा अपडेट है जो कि कुछ फैंस के लिए तो होगा गुड न्यूज़ और कुछ फैंस के लिए बैड न्यूज़ भी होगी। तो गाइस, इसमें गुड न्यूज़ ये है कि जो फैंस चाहते थे कि लीप ना आए और वो लोग नहीं चाहते थे कि ईशान सभी की जो कहानी है वो चेंज हो जाए, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि गाइस, अभी के लिए ये जो लीप का प्लान है मेकर्स ने इसको होल्ड पे डाल दिया है। तो गाइस, करेंटली लीप अभी के लिए तो कैंसिल हो गया है, अभी के लिए कुछ टाइम के लिए इस लीप को होल्ड पे डाल दिया गया है। और इसके पीछे का कारण ये है कि गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, शक्ति अरोड़ा के एग्ज़िट शो से होने पे फैंस के जो रिएक्शंस रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैकलैश वाले रहे हैं और फैंस बिल्कुल भी ये चीज़ के साथ सहमत नहीं थे कि ईशान और सभी की कहानी में इतना लंबा 10 साल के राउंड का लीप आए और उसके बाद करणवीर बोहरा का जो करेक्टर है उसको पूरा मेन कर दिया जाए शक्ति अरोड़ा की जगह, या फिर कोई नया लीड लेकर आया जाए शक्ति अरोड़ा की जगह। ये फैंस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इसी के चलते हुए फैंस ने बहुत सारी डिमांड करी कि हमें करंट वाली स्टोरी लाइन ही चलती देखना चाहते हैं और अभी हम लीप नहीं चाहते। इसी के चलते हुए गुम है किसी के प्यार में की टीआरपी रेटिंग में कोई ऐसा भी बड़ा डिक्रीज़ नहीं आया कि मेकर्स को लीप वगैरह इतना लंबा लेकर आना पड़े। जैसा कि आपको बताया था, लीप प्लानिंग फेज़ में चल रहा था तो कुछ भी चेंजेस हो सकते थे। तो गाइस, करेंटली ये जो 10 साल का 12 साल का लीप प्लान कर रहे थे फिलहाल के लिए होल्ड पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले फ्यूचर में वो नहीं आ सकता। तो अभी के लिए जो कुछ उन्होंने प्लान किया हुआ था मे बी वो थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड पे डाल के थोड़े टाइम बाद, कुछ महीनों बाद उसको फिर से रिवाइव करें। लेकिन अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए ईशान और सभी के जो फैंस हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि करेंटली मेकर्स ने ये फैसला लिया कि अभी के लिए ईशान और सभी को अलग ना किया जाए, यानी कि अभी इतना बड़ा लीप ना लेकर आया जाए इनकी कहानी में। बिकॉज़ वो ये एक्सपेक्ट करते हैं मेकर्स कि अगर ये लीप वो लेकर आए तो उनके लिए बैकफायर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं होता हर बार लीप जो मेकर्स लेकर आएँ वो उनके लिए सक्सेसफुल ही रहे, हिट ही रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि लीप और स्टोरी लाइन से मेकर्स कहानी चेंज करते हैं और वो बैकफायर कर जाता है, टीआरपी रेटिंग नीचे जाने लग जाती होती है अगर फैंस को पसंद ना आए। एक रीसेंट उदाहरण इसकी ये है, जी टीवी का सीरियल रब से है दुआ, जिसकी टीआरपी बहुत अच्छी जा रही थी, उन्होंने जनरेशन लीप फिर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया और अब लीप के बाद की जो टीआरपी रेटिंग है वो काफ़ी कम आती है पहले वाली टीआरपी के मुकाबले। तो गाइस, ये जो लीप है ये होल्ड पे तो पुट हो गया है, लेकिन ये नहीं पता कितनी देर के लिए पॉज पे रखा गया है और हमें नहीं पता कब ये इस लीप के साथ आगे मूव फॉरवर्ड कर जाएं। लेकिन अगर करेंगे या जब करेंगे उस पे वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए शक्ति अरोड़ा एग्जिट नहीं करेंगे और करंट वाली स्टोरी में ही इंटीग्रेट कर रहे हैं मेकर्स करणवीर बोहरा का ट्रैक। तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स में बताइए ये चीज़ आपके लिए गुड न्यूज़ थी या फिर बैड न्यूज़ थी। और सारी अपकमिंग गुम है किसी के प्यार में से जुड़ी अपडेट्स एंड लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा लो ताकि आप कोई टीवी शोज़ की न्यूज़ मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।